हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीत की हेल्दी रसोई में। तो आज मीत की रसोई में बनने जा रही है हेल्दी एंड टेस्टी लोटस स्टेम भेज, जिसको बोलते हैं, उसकी मसालेदार सब्जी, हल्का रसा जिसमें होएगा। ये भेज की सब्जी बहुत ही स्वाद बनती है, बहुत इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, खनिज होता है, तांबा होता है, बहुत टेस्टी भी बनती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपकी ये जो सब्जी है कैसी बनी। तो चलिए बनाते हैं भेज की लोटस स्टेम की ग्रेवी वाली सब्जी। तो इसके मसाले के लिए देखिए, मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 8-10 कलियां लहसुन की, एक बड़ा सा प्याज, बिग साइज़ का प्याज। तो इसकी जो ग्रेवी है हम थिक थिक बनाएंगे और इसमें लहसुन और अदरक का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये 2 जनों के लिए मैं बना रही हूँ, तो 150 ग्राम के करीब भेज हैं। भेज जब भी आप चूज़ करेंगे तो आप कोशिश करें कि जो भेज हैं वो दोनों तरफ से बंद हो और थोड़े मोटे साइज़ की हो और वाइट कलर की हो। तो नहीं तो अगर पतली आप भेज उठाते हैं तो वो गलेगी नहीं जल्दी, और अगर आप खुली हुई दोनों तरफ से लेते हैं तो उसमें मिट्टी गंदगी होएगी। तो देखिए, मैंने भेज को अच्छे से धो लिया है, छील लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मेरी भेज जो है उसमें मिट्टी दिख रही है मुझे, तो ये हमने पानी रखा है उबलने के लिए, थोड़ा सा उसमें नमक डाला है और भेज काट के डाल दी है। अब इसको हम पानी अच्छे से उबलेगा 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो भेज के अंदर मिट्टी है, गंदगी है, वो अच्छे से निकल जाए और भेज थोड़ी साथ में सॉफ्ट भी हो जाए। तो देखिए, ये पानी उबल चुका है, आपको दिख रहा होगा पानी मटमैला हो गया है। तो अगर आप खुली भेज लेते हैं, अगर गांठ नहीं है दोनों तरफ से, भेज बंद नहीं है, तो उसमें मिट्टी होएगी, कीचड़ सा फंसा होता है, गंदगी होती है। तो मेरी भेज जो है वो ऐसे ही थी, थोड़ी सी उसमें मिट्टी वगैरह थी। देखिए, मैंने इसको 10 मिनट रखा था, पानी उबल गया है, हल्की सॉफ्ट हो गई है, गंदगी निकल गई है। चलिए अब हम बनाते हैं मसाला। तो ये 2 जनों की सब्जी है, 150 ग्राम भेज हैं जिसको मैंने छील के काट के बॉयल कर लिया है। तो 2 चम्मच हमने 2 छोटे चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है। इसमें हम अब अदरक, लहसुन और प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, ग्राइंड नहीं किया। आप चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं, पीस के बना सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप पीस के बनाते हो तो उसमें घी थोड़ा ज़्यादा लगता है, मैंने चॉप किया है। तो अब हम मसाले को भून लेंगे तब तक जब तक कि लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो भेज में देखिए, एक तो फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन रिच भी है, इसमें तांबा भी होता है, खनिज भी होते हैं, विटामिन सी होता है और विटामिन B6 पाया जाता है। ये देखिए, हमारा मसाला जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम टमाटर और हरी मिर्च मैंने पीस के रखी थी वो डालेंगे और इसमें ड्राई मसाले सारे डालेंगे। हमारा मसाला देखिए कुक हो चुका है, आपने इतना ही ब्राउन करना है। तो चलिए हम अब इसमें ड्राई मसाले डालते हैं। सबसे पहले डालेंगे हल्दी, ये 1/4 चम्मच है क्योंकि ये 2 जनों की सब्जी है, तो 1/4 चम्मच हल्दी डाली है मैंने। और अब हम डालेंगे, ये है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है मैंने। अब हम डालेंगे जीरा पाउडर, वो भी 1/2 चम्मच के करीब डाला है मैंने। ये डाली है मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी, आप 1-2 चुटकी लगा सकते हो क्योंकि ये लाल मिर्च बहुत तीखी है। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, और ये हरी मिर्च और टमाटर मैंने पीस के रखा है इसलिए मैंने लाल मिर्च बहुत कम डाली है। तो आप नमक और मिर्ची अपने हिसाब से डाल सकते हो। और ये थोड़ा सा पानी डाला है साथ में क्योंकि मसाले को ढक के मैं 5 मिनट के लिए गैस सिम करके कुक करूँगी। ये हरा धनिया मैं साथ ही डाल रही हूँ, हमने धनिया पाउडर भी डाला है और हरा धनिया भी इसमें डाला है क्योंकि फ्रेश जो हरा धनिया चॉप करके डालेंगे उसका फ्लेवर सब्जी में बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए रख लिया है। तो अब हम इसको ढक देंगे, गैस को कर देंगे सिम और 5-7 मिनट के लिए इसको मसाले को कुक होने देंगे ताकि मसाला सॉफ्ट भी हो जाए और अच्छे से कुक भी हो जाए। तो ये देखिए, हमारा मसाला जो है
सॉफ्ट होने लगा है, कुक हो रहा है, इसको हम खुला 5 मिनट पकाएंगे, फिर भेड़ डाल के भूनेंगे। आप देखिए जब ऐसे मसाला इस स्टेज पे आ जाता है तो जो भी सब्जी बना रहे हैं उसके बाद उसको उसमें डाल के भूनें सब्जी के साथ मसाले को, और सब्जी अपना पानी छोड़ेगी, मसाले के साथ भुनेगी तो सब्जी और भी स्वाद बनेगी। ये देखिए अब हम भें डाल देंगे और 5-7 मिनट के लिए इनको भें के साथ भुनेंगे। गैस अपनी आप जो फ्लेम है मीडियम रखें और लगातार स्टर करते हुए इसको 5-7 मिनट के लिए भुनें। तो उसके बाद हम पानी डालेंगे। आपने ग्रेवी जितनी भी रखनी है, वैसे जो भें की सब्जी बनाते हैं तो इसकी ग्रेवी थिक थिक ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम इसको चपाती के साथ ही खाएंगे। तो ये देखिए मुझे 5-7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, अच्छे से मसाला भें के साथ मिक्स हो चुका है। देखिए मैंने 2-4 मिनट इसको ढक दिया था कि अच्छे से और भुन जाए। तो एक तो हमने जब इसको उबाला था थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन इसको पानी डाल के हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि इसको ऐसे ही पकने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुकर में डाल के हम, देखिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें, कोशिश करें वैसे ग्रेवी थिक ही हो, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। मैंने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ ये देखने के लिए कि इसमें कितना पानी जाएगा, क्योंकि कुक जब करेंगे आप प्रेशर दिलाएंगे इसको विसल तो भी पानी चाहिए होएगा। मैंने 1 कप पानी डाला है और इसको ट्रांसफ़र कर लिया है कुकर में। अब हम 2 विसल आने तक इसको पकाएंगे। आप अपने कुकर के हिसाब से देख लें, 2 विसलें दिला के खोल के देख लें कि भें गली हैं या नहीं, अच्छे से सॉफ्ट हुई हैं या नहीं। मैंने बीच में चेक कर लिया था तो मेरी जो भें हैं 2 विसल में अच्छे से गल गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कि ये देखिए कि भें जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, आराम से टूट रही है, अच्छे से पक चुकी हैं। तो चलिए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो हमारी ये हेल्दी एंड टेस्टी फाइबर और प्रोटीन रिच जो सब्जी है बन के तैयार है। तो आप इसको चपाती के साथ एंजॉय करें, नॉर्मल चपाती के साथ बहुत ही स्वाद सब्जी बनती है। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। लाइक एंड शेयर करें इस रेसिपी को। तो ये देखिए हमने हरे धनिए से, चॉप हरे धनिए से इसको गार्निश कर लिया है। तो बने रहिए मीत की रसोई के साथ, मिलते हैं अगली ऐसी ही यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।